बिहार चुनाव की पल पल अपडेट दर्जी न्यूज सुबह से ही आपके सामने लेकर आ रहा है। तमाम वो खबरें बिहार चुनाव से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, सीटों को लेकर तमाम समीकरण जो है हमने आपको बताए, तमाम गेस्ट भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ साझा हुए और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर देते हैं और इस वक्त हम आपको बता देते हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि देर रात तक आएंगे नतीजे और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। नतीजे आने में देरी होगी ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने। एक बार हम तब तक ताजा आंकड़े आपको बिहार चुनाव के जुड़े बता दें। एनडीए 123, आरजेडी 122, अन्य 8 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। आरजेडी 74 सीटें, कांग्रेस जो है वो 20 सीटों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। जेडीयू 43, बीजेपी 72 सीट, कांग्रेस 20, लेफ्ट 8। तो तमाम इलेक्शन से जुड़ी ये ब्रेकिंग खबरें हम आप तक ला रहे हैं। और चलिए झारखंड के उपचुनाव पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इससे पहले हमने आपको कांग्रेस के ऑफिस, झारखंड कांग्रेस के ऑफिस से तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बेरमो में जीत हासिल करने के बाद जय मंगल और अनूप सिंह की जीत की खुशी में वहां के कार्यकर्ता कितने खुश है। कांग्रेस के कार्यालय में ढोल और नगाड़े बनने लगे। अब हम सीधे रुख कर लेते हैं जहां से दुमका सीट से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने जीत हासिल की है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास यानी कि मुख्यमंत्री आवास से क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं ये बयां करने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी झारखंड की सहयोगी गौरी रानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। चलते हैं गौरी के पास। गौरी, क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त आपको आपके सामने झारखंड के सीएम हाउस से? गठबंधन के दो प्रत्याशी दुमका से बसंत सोरेन, वहीं बेरमो से जयमंगल जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं और इस वक्त मैं सीएम हाउस में हूँ और आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो विधायक मंत्री जो भी है सभी लोग गठबंधन के आए हुए हैं और एक एक करके सभी लोग सीएम से मिल रहे हैं। और आपको बता दूं कोविड को देखते हुए भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया जा रहा है और बहुत शांति यहाँ पे, जो मैं सीएम हाउस में हूँ यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। सभी लोग अंदर है, अंदर तो मैं जा नहीं सकती हूँ, यहाँ से मैं आपको बस लाइव के माध्यम से फुटेज दिखाना चाहूंगी कि देखिये यहाँ पे जो लोग है वो गठबंधन के जो भी प्रत्याशी तो गठबंधन के जो भी विधायक और मंत्री है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह आप मानती हैं कि झारखंड में बेरमो सीट से जयमंगल सिंह विजय हो गए, दुमका से बसंत सोरेन विजय हो गए, हालांकि ये भी खबरें आप लगातार हमारे सामने भेज रही थी कि हेमंत सोरेन भी लगातार बेरमो दुमका पहुंचे थे, उन्होंने प्रचार प्रसार में बहुत साथ दिया था, तो वजह क्या मान रही है आप जीत को लेकर? देखिए ये जो उपचुनाव हुए हैं ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये उपचुनाव हुए थे और इसी को लेकर के दोनों प्रत्याशियों की जीत महागठबंधन की हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का भी दावा था कि दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होगी और वो झारखंड में सरकार गिराएंगे, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई है। बिल्कुल गौरी, जो तस्वीरें आपके पीछे मुझे दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के आवास में यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास में दीपावली आज ही से मनने लगी है। अंदर की क्या कुछ खबरें हैं गौरी, मिल रहा है आपको क्या कुछ खबरें, क्या कुछ वहां चल रहा है अंदर में? जी बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जब काउंटिंग हो रही थी तो 13वें राउंड तक मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन पीछे चल रहे थे और काफी ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 15वां राउंड पार हुआ उसके बाद बसंत सोरेन आगे बढ़ने लगे, तो ये जीत की खुशी है। और आपको बता दो कि बसंत सोरेन जो है वो पहली बार विधायक बने हैं और इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो चुनाव वो हार चुके थे, लेकिन ये इनकी पहली जीत है तो निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए एक बड़ी खुशी है। पहले हमने कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी कि आपने जिस तरह से प्रवक्ता से बात की थी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बिहार चुनाव के विपरीत जो है ये यहाँ पर जीत हासिल हुई है और लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें इस वक्त ये आपके सामने हैं। हम आप से कोशिश करेंगे कि जुड़ते रहें और बने रहें, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार आप लाइव पर बने ही रहिए, हम अपने दर्शकों को तब तक बिहार चुनाव के ताज़ा अपडेट दे दें कि देखिए बिहार
चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने साफ तौर कहा है कि कोरोना के चलते नतीजे आने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि जो एस्टिमेट समय बनाया गया है वो 8:30-9 बीच के बीच जो टोटल नतीजे हैं वो एक पूरी तरह से ग्राफ सामने आएंगे। और लगातार इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता सुबह के वक्त से ही लगातार बने हुए हैं, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, तमाम संवाददाता हमारे गाँव में पहुंच कर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और तस्वीरें धीरे धीरे आपके सामने हम ला रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए इस वक्त 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं आरजेडी की बात करें यदि महागठबंधन की बात करें तो 122 सीटों पर महागठबंधन है। अन्य की अगर हम बात कर ले तो 8 सीटें मिलती दिख रही है। गौरी के पास रुख करेंगे हम, गौरी हमारी बनी हुई है लगातार। गौरी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बिहार में इस तरह के चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, झारखंड में अभी कुछ चुनाव हुआ है, हेमंत सोरेन सरकार अच्छा काम कर रहे हैं ये देखने को भी मिलता है, तो क्या लगता है कि झारखंड में और क्या कुछ नया चीज होना चाहिए, इन दोनों के क्या दायित्व रहेंगे? जिस तरह से बेरमू में उनके जयमंगल सिंह के जो पिता है वो बहुत दिनों तक मंत्री रहे झारखंड में सरकार में, उन्होंने अच्छा काम किया, तो क्या एक प्रेशर या फिर यूं कहें कि क्या वर्क रहेगा जयमंगल सिंह के ऊपर कि वो बेरमू की जनता को खुश कर सके? देखिए, जैसे जब मैं कांग्रेस कार्यालय में थी तो जब मेरी आलोक दुबे जो कि प्रवक्ता है उनसे बात हो रही थी तो वो साफ तौर पे कह रहे थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। तो यही लाइन जो है ये मैं जयमंगल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहूंगी। हालांकि वो पॉलिटिक्स फैमिली से जुड़े हुए हैं, वो सभी चीजों को जानते हैं, जनता के बीच भी लगातार बने हुए हैं और यही नतीजा है कि बड़ी बड़ी मार्जिन से वो जीत हासिल किए हैं बेरमो में। और वहीं मैं दुमका की अगर बात करूं तो चुनौती होंगी बसंत सोरेन के लिए, क्योंकि उनकी उनकी ये पहली जीत है, लेकिन निश्चित तौर पर झारखंड में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि अभी जो कोविड के चलते जिस तरह से सरकार जो है वो कामकाज को ठप हुआ था वो अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है और ऐसे में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को लेकर के आपको बता दूं कि बसंत सोरेन और बेरमो के अब नए विधायक जयमंगल भी जनता के बीच पहुंचे थे, तो अब देखना होगा। कल मैं आपको कल विधानसभा में विशेष सत्र जो है वो मुख्यमंत्री जी ने आहूत किया है और कल 9 बजे बसंत सोरेन और जयमंगल दोनों जो नए विधायक बने हैं उन्हें कल शपथ भी दिलाया जाएगा विधानसभा में। उसके दुमका से एक बार हम आपको अपडेट करते हैं, उपचुनाव हुए हैं, वहां नए विधायक मिल गए हैं। बेरमू से जयमंगल सिंह विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस से उन्होंने जीत दर्ज की है, वहीं दुमका से बसंत सोरेन ने जीत हासिल की है, मुख्यमंत्री के भाई हैं। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने हम झारखंड के सीएम आवास से दिखा रहे हैं, हमारी संवाददाता गौरी इस वक्त लगातार बनी हुई है। गौरी, तमाम खबरों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा हम फिर से आपके सामने जुड़ेंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर झारखंड की खबरें इस वक्त आप देख रहे थे, बिहार रुक कर देते हैं। बिहार की खबरें जो है अभी हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आए। हम आपको तब तक आंकड़े बता देते हैं कि आखिर महागठबंधन जो है वो उनको कितनी सीटें आई और जेडीयू को एनडीए को कितनी सीटें आई, तो जेडीयू 42 सीटों पर है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है, 72 सीटों से लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं वीआईपी मुकेश साहनी 5 सीटों पर आगे हैं और हम अगर महागठबंधन की बात कर ले तो आरजेडी 74 सीटों पर, कांग्रेस 20 सीटों पर, अन्य जो है 8 सीटों पर है, हमको भी 3 सीटें मिली हैं। तो लगातार लाइव कवरेज हमारा जारी है और ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं, बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।